हेलो दोस्तों, डिज़नी हॉटस्टार पे रिलीज़ हुई सुल्तान ऑफ दिल्ली और मेंशन 24 का रिव्यू हम आपको साथ में देने जा रहे हैं। दोस्तों, सुल्तान ऑफ दिल्ली एक अच्छी वेब सीरीज़ है। ना जाने क्यों लोगों ने इसके इंटरनेट पे बहुत ही ख़राब रिव्यूज़ दे रखे हैं। दोस्तों, 1947 में जो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, उसके दुख और दर्द को ये वेब सीरीज़ बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाती है। दोस्तों, जब आप ये वेब सीरीज़ देख रहे होगे तो आपको लगेगा कि आप 1947 में सही में पहुँच गए हो और वो पार्टीशन आपके सामने ही हो रहा है। दोस्तों, 1947 के पार्टीशन के दर्द को दिखाने के बाद ये मूवी 1962 में चली जाती है और 1962 में किस तरह से अंडरवर्ल्ड की शुरुआत हुई थी, ये इस मूवी में दिखाया गया है। दोस्तों, इस वेब सीरीज में विनय पाठक, अंजुन शर्मा, निशांत दहिवा, मौनी रॉय, ताहिर राज भसीन और अनुप्रिया गोयंका जैसी एक्टर्स की बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस वेब सीरीज की कहानी कुछ ऐसी है कि पहले पार्टीशन के दर्द को दिखाया गया है, उसके बाद दो दोस्तों को दिखाया गया है, वो दोस्त कैसे मिलके अंडरवर्ल्ड पे राज करते हैं, ये इस स्टोरी में दिखाया गया है। दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं कि इस वेब सीरीज में निशांत दहिवा की एक्टिंग बहुत ही जबरदस्त है। इस वेब सीरीज में उनको देखने के बाद आप उनके फैन हो जाओगे। निशांत दहिवा इस वेब सीरीज से पहले बहुत ही अच्छी मूवीज कर चुके हैं, जिसमें से कुछ मूवीज हैं मुझसे फ्रेंडशिप करोगे, T2MBA, मेरी प्यारी बिंदु और केदारनाथ में भी वो थे। और विनय पाठक के बारे में तो आप जानते ही हो, जिस रोल में भी आते हैं उस रोल में जान डाल देते हैं। हाँ, और एक बात और बता दूं, सुल्तान ऑफ दिल्ली वेब सीरीज का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है और जब क्लाइमैक्स आपके सामने आएगा तो आप सुल्तान ऑफ दिल्ली के सीजन 2 का वेट जरूर करोगे। दोस्तों, इस वेब सीरीज की जितनी बुराइयां हो रही हैं, ये वेब सीरीज इतनी बुरी है नहीं। मैं देता हूँ इसको 5 में से 3 स्टार। दोस्तों, दूसरी जिस वेब सीरीज का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ, उसका नाम है मेंशन 24। ये भी आप डिज्नी हॉटस्टार पे ही देख सकते हो। दोस्तों, मेंशन 24 की कहानी कुछ इस तरह की है कि उसमें एक बेटी अपने पापा को एक पुराने मेंशन में, यानी एक पुरानी हवेली में ढूंढने जाती है। दोस्तों, इस वेब सीरीज में 6 एपिसोड हैं। इसमें जब बेटी अपने पापा को ढूंढने उस पेंशन में जाती है तो वहां पे उसको एक चौकीदार मिलता है। हर एपिसोड में वो चौकीदार उस लड़की को एक कहानी सुनाता है। इस वेब सीरीज की खासियत यह है कि हर कहानी का एक कैरेक्टर दूसरी स्टोरी के किसी कैरेक्टर से संबंध रखता है। दोस्तों, सारी कहानियां हैं तो अलग अलग, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी भी हुई हैं। इस वेब सीरीज की हर कहानी में आपको डर का, थ्रिल का और सस्पेंस का अनुभव होगा। यही इस वेब सीरीज की खासियत है। इस वेब सीरीज को मैं देता हूँ 5 में से 3 स्टार। एक बार इस वेब सीरीज को जरूर देखिएगा अगर आपको हॉरर जोनर की मूवीज या फिर वेब सीरीज पसंद। इस वेब सीरीज का कंटेंट एक बार तो देखने लायक जरूर है। दोस्तों, ये वेब सीरीज बाकी वेब सीरीज से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें चौकीदार उस लड़की को कहानियां सुनाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो 4-5 हॉरर कहानियां सुनाता है, लेकिन वो लड़की हर कहानी के एंड में वो लड़की जो साइंटिफिक रीजन देती है कि ये इसलिए हुआ था, वो देखकर आपको जरूर मजा आएगा। मिलते हैं अगले रिव्यू में। धन्यवाद।